हेलो। तो जितने भी आर्मी हो ना, अपने दिल को संभाल लो, थाम लो और अपनी आंखों पर थोड़ा सा मेहरबानी कर दो, क्योंकि हो सकता है तो ये पूरी खबर, मतलब लाइक पूरी वीडियो देखने के बाद आपके आंखों से आंसू निकल जाए, क्योंकि ये लेटर है वी का। वी ने आर्मी के लिए एक लेटर लिखा है और वी ने क्या लिखा, आपका ये दिल जीत लेगा और आपको काफ़ी इमोशनल भी कर देगा। तो देखो, वी ने लिखा, आर्मी आई रियली मिस यू, मैं आपको सचमुच मिस कर रहा हूँ। आई होप कि आप अच्छा कर रहे होंगे। मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छे से सो रहा हूँ और ट्रेनिंग भी अच्छी ले रहा हूँ और एक हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ। फिर उन्होंने लिखा कि मुझे बहुत सारी गुड एनर्जी रिसीव हुई है अपने यंगर कॉलीग से, अपने सीनियर क्लासमेट से, और मैं काफ़ी सारा वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ। फिर उन्होंने लिखा कि मैं थोड़ा खुद पर प्राउड हूँ, और उन्होंने ये भी बताया कि मैं शूटिंग में काफ़ी अच्छा हो गया हूँ और मुझे तारीफ़ें भी मिली हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने वॉरियर फ्रेंड से, जूडो में और जियो जित्सू में। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दोबारा जन्म लिया है एक वॉरियर की बॉडी में। मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे ट्रेनिंग मिल रही है ऐसे लोगों से जिनसे बेयरली किसी को मिलता है। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं करता। फिर वी ने एक ऐसी बात कही है जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाओगे और इससे आपको सीखने को भी मिलेगा। हम सभी जानते हैं, लाइक जितने भी आर्मी हैं वो जानते हैं कि वी को हाइट से काफ़ी फियर है। वी ने बताया है कि उसने इस फियर को ओवरकम कर लिया है। एग्जैक्टली, वी आगे लिखते हैं कि आई ओवरकम माई फियर ऑफ हाइट्स। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा डरावना था, लेकिन फाइनली मैं इससे बाहर आ गया हूँ। उन्होंने आगे लिखा कि शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप ये समझोगे। फिर उन्होंने लिखा कि जब भी मेरा फ्री टाइम होता है आजकल, तो मैं अकेला कॉर्नर में चला जाता हूँ और डांस करता हूँ, जस्ट इन केस कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे डांस की मेमोरी जो है वो थोड़ी थोड़ी रहे। उन्होंने फिर आगे लिखा कि जैसा कि मैंने बताया, मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ और कोशिश, उम्मीद है कि आप भी अच्छा कर रहे हों और उम्मीद है कि आप बीमार ना पड़े और अच्छे से हों। फिर उन्होंने लिखा कि डोंट वरी, हम लोग जल्द ही मिलेंगे। फिर वी ने आगे लिखा कि, फिर उन्होंने लिखा लास्ट में कि आई मिस यू सो मच, आई लव यू सो मच, अपो बैंग अपो, जिसका मतलब मुझे नहीं पता है, बोरा है पता है, और गुड बाय उन्होंने लिखा है। तो ये वी ने लिखा है आर्मी के लिए। इससे पता चलता है कि वी आज भी आर्मी को नहीं भूले हैं। हे तो देखो, ये मेरी गलती नहीं है, ये एक्चुअली मेरे ट्रांसलेटर की गलती है, क्योंकि उन्होंने दो अलग पोस्ट में अलग अलग चीज़ें लिखी। आप देखो, मैंने अलग पोस्ट का पढ़ा और फिर दूसरा जो था वो अलग पोस्ट का, इसमें जो टेक्स्ट लिखा है वो लिखा है, तो मुझे गालियाँ मत देना। एक्चुअली मैं वी का कहना ये था कि उन्होंने अपने फियर ऑफ हाइट को ओवरकम करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हुआ नहीं, वो अभी भी डर रहे हैं, उनका ये कहने का मतलब था। लेकिन इससे पहले जो मैंने बोला वो थोड़ा गलत बोल दिया, तो सॉरी इसके लिए, कोई नहीं। तो ये था इमोशनल वी का मैसेज। तो अगर थोड़ा सा भी दिल भर आया हो, एकदम रुआसा सा मन हो गया हो, तो कमेंट में एक पर्पल हार्ट दे देना और लव यू वी ज़रूर लिखना। और मैं तो विवर्स पे जाके लव यू वी लिखूँगी, क्या पता लकी निकल जाओ और वी मेरा भी मैसेज देख ले।